सो हेलो गाइज, कैसे हैं आप? और गाइज, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि गाइज आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईफोन 14 के बारे में। क्योंकि गाइज यहाँ पे काफी सारे लीक्स आ चुके हैं आईफोन 14 के बारे में। सो गाइज, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम चैनल के ऊपर तो जल्दी जाकर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि आपको हमारी इस टाइप की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के अपडेट मिलते हैं बिना किसी देरी के। सो व्हाट्सअप गाइज, माय नेम इज न्यूज़ एंड यू आर वॉचिंग टेक विद न्यूज़। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि एप्पल जो है वो सितंबर मंथ में अपने जितने भी न्यू प्रोडक्ट हैं उनको लॉन्च करता है आईफोन के। तो यहाँ पे आईफोन जो 14 आने वाला है गाइस, उसके बारे में बहुत बिग अनाउंसमेंट आई है। तो गाइस, आईफोन 14 जो आने वाला है वो आपका सेम लास्ट जनरेशन की तरह यहाँ पे आईफोन 13 में भी आपको चार मॉडल देखने के लिए मिले थे, वहीं अब आपको आईफोन 14 में भी जो है चार मॉडल देखने के लिए मिलने वाले हैं। और गाइस, यहाँ पे ये जो चारों मॉडल होने वाले हैं ये बिल्कुल ही डिफरेंट होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे अब आपको आईफोन 13 मिनी की जगह आईफोन 14 में आईफोन 14 मिनी नहीं मिलने वाला, यानी 14 सीरीज में से मिनी को हटा दिया गया है यहाँ पे कंपनी की तरफ से। और यहाँ पे चार बिल्कुल डिफरेंट जो फोन्स हैं वो यहाँ पे आईफोन 14 में आपको देखने के मिलने वाले हैं। यहाँ पे आपको 6.1 इंच के दो मॉडल देखने के मिलने वाले हैं, और वहीं पे आपको 6.7 इंच के भी दो मॉडल देखने के लिए मिलने वाले हैं। यहाँ पे जो एक कंपनी है कवर की, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो पेटेंट होते हैं कवर जो है ऑलरेडी पहले ही बन जाते हैं फोन आने से, ताकि जो कवर हैं वो फ़ोन के लॉन्च होते ही अवेलेबल हो सके। तो यहाँ पे एक कवर कंपनी के थ्रू एक फ़ोटो लीक हो चुकी है, जिसमें हमें क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे आपको 6.1 इंच में टू मॉडल मिलने वाले हैं और 6.7 इंच में आपको यहाँ पे टू मॉडल मिलने हैं। बट अभी ये बात कहना पॉसिबल नहीं है कि जो 6.7 इंच में आपको नया आईफोन मिलने वाला है 14 सीरीज़ का, उसका क्या नाम होने वाला है। यहाँ पे कंपनी उसे आईफोन 14 प्लस बोलेगी, प्रो प्लस बोलेगी, या प्रो मैक्स प्लस बोलेगी, क्या बोलेगी आई डोंट नो। और यहाँ पे ये कहना भी मुश्किल है कि इस मॉडल का क्या नाम आएगा, बट यहाँ पे ये कन्फर्म है कि ये मॉडल आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलने वाला है। और सेकेंड जो चेंजेस आपको यहाँ पे मिलने वाला है वो मिलने वाला है आपको यहाँ पे एप्पल वॉच सीरीज़ 8 का। आपको यहाँ पे एप्पल वॉच 8 भी देखने के मिलने वाली है, क्योंकि एप्पल हर साल अपनी वॉच को अपग्रेड करता है। लास्ट जैसे एप्पल ने एप्पल वॉच सीरीज 7 निकाली थी, वैसे ही अब जो है सीरीज 8 एप्पल की आने वाली है। और यहाँ पे एक और चीज़ आपको देखने के मिलने वाली है, इस वॉच में भी आपको सीरीज 7 के जैसे ही लुक मिलने वाली है, कुछ ज़्यादा खास चेंजेस होने वाला नहीं है। एप्पल वॉच सीरीज 8 जो आने वाली है उसमें अब आप जो है वो अपना बॉडी टेम्परेचर भी चेक कर सकते हैं, मतलब आप लोग चेक कर सकते हैं टेम्परेचर ज़्यादा है या कम है, वो आप इससे चेक कर सकते हैं। सेकेंड, इसमें आपको यहाँ पे जो एक वही जो पुराने इनकी ECG वगैरह है वो मिलने वाला है, साथ में आपको यहाँ पे SpO2 का सपोर्ट भी मिलने वाला है, हार्ट रेट का तो सपोर्ट आपको यहाँ पे मिलता ही है। बट यहाँ पे यार डिसअपॉइंटेड अगेन एप्पल की तरफ से हूँ मैं, क्योंकि आपको यहाँ पे जो BP ब्लड प्रेशर मॉनिटर सिस्टम है आपको यहाँ पे देखने के नहीं मिलने वाला। अगेन आपको यहाँ पे ब्लड शुगर का जो कंट्रोल सिस्टम है वो भी यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलने वाला। इवन इससे कम प्राइस में आने वाली जो लोकल वॉचेज होती हैं उनमें भी आपको BP का जो है ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाता है, यानी कि आप यहाँ पे ब्लड प्रेशर मॉनिटर सिस्टम कर सकते हैं। बट आपको इतने पैसे लगाने के बावजूद भी जो है ब्लड प्रेशर मॉनिटर सिस्टम यहाँ पे नहीं मिलता, जो कि बहुत ज़्यादा वीक पॉइंट है एप्पल के लिए। और आपको यहाँ पे जो है ब्लड शुगर का भी देना चाहिए था, क्योंकि देखो लास्ट जनरेशन में आपने 7 में वहाँ पे सेम चीज़ दी है, बट आप 8 में वो चीज़ नहीं दे रहे हो। हाँ ठीक है, आपने यहाँ पे जो है बॉडी टेम्परेचर का जो सिस्टम है उसके बीच में डाल दिया, जिससे हम लोग चेक कर सकते हैं बॉडी टेम्परेचर लो है या हाई है, वो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। बट इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि आप यहाँ पे ब्लड प्रेशर मॉनिटर सिस्टम लेके आते, ब्लड शुगर जो चेक सिस्टम है वो भी आप यहाँ पे लेके आते, बट इतना नहीं यहाँ पे एप्पल आया। इसके अलावा गाइस आपको यहाँ पे ग्रेट न्यूज़ और मिलने वाली है, वो ये है कि अब आपको यहाँ पे एप्पल वॉच SE का जो है सेकंड जनरेशन देखने के लिए मिलने, यानी कि आपको एप्पल वॉच SE 2 देखने के लिए मिलने वाली है। और ये जो वॉच होने वाली है ये सेम आपको सीरीज 7 वाली जो लुक में मिलने वाली है, यानी कि जो स्क्रीन साइज है वो बढ़ा दिया जाएगा पहले के मुकाबले। और यहाँ पे जो वॉच है इसके अंदर भी आपको ECG और जो आपका SpO2 और हार्ट रेट ट्रैकिंग का सपोर्ट जो है वो देखने के लिए मिलने वाला है, यानी कि अगर ये वॉच आपकी इन फीचर के साथ आ जाती है तो SE 2 जो वॉच होने वाली है आपकी वो अपने सेगमेंट में बेस्ट वॉच बन जाएगी और सबसे ज्यादा हॉट सेलिंग वाली वॉच भी बन जाएगी। इसके अलावा गाइस यहाँ पे एप्पल ने एक और वॉच लॉन्च करनी है, अब ये कंफर्म नहीं है वो इंडिया के अंदर लॉन्च होगी या नहीं होगी, बट फॉरेन कंट्रीज के अंदर ये लॉन्च होने वाली है। और ये होने वाली है एप्पल की रैगेड वॉच। इसमें ये है कि ये जो वॉच है ये बिल्कुल ही आपकी टफन ग्लासेस के साथ आने वाली है। इसमें अगर कोई वॉच आपकी गिर जाती है या फिर इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल डिफरेंट बनाया गया है। यहाँ पे जो वॉच है ये स्पोर्ट्स टाइप की वॉच बनाई है, ये वॉच जो है बहुत ज़्यादा हार्ड क्वालिटी की बनने वाली है, और इसका जो ग्लास है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, अगर ये गिरती वगैरह भी है तो टूटेगी नहीं, जैसे कंपेयर अगर आप दूसरी वॉच से कंपेयर करते हैं तो वो गिरने के बाद कई बार टूट जाती हैं, तो वो चीज़ इसमें आपको देखने के लिए नहीं मिलने वाली है। और यहाँ पे एप्पल की तरफ से एक और बिगेस्ट चेंज होने वाला है वो होने वाले हैं आपका यहाँ पे एप्पल की चिपसेट M2 के साथ, यानी कि एप्पल यहाँ पे जो है अपनी M2 चिप को जो है लॉन्च करने वाला है। साथ में एप्पल ये जो है आप अपने जो मैकबुक एयर है उसके अंदर या फिर आपके मैकबुक प्रो के अंदर जो है M2 की चिप को जो है टेस्ट कर रहा है, और उसके बाद वो भी लॉन्च हो सकते हैं आपके सितंबर मंथ में। और एप्पल ने कंफर्म किया था कि यहाँ पे जो उनकी मैकबुक मिनी है वो भी आने वाली है। ये चीज़ तो
तो आने के बाद ही कंफर्म होगी कि जो एप्पल है वो यहाँ पे M2 जो चिप है उसके साथ प्रो एडिशन लेके आता है या प्रो मैक्स भी चिपसेट को लेके आता है, ये तो आने के बाद ही होगा, क्योंकि जो एप्पल है वो अपनी परफॉर्मेंस को एक एक्सटेंड लेवल पे लेके जाना चाहता है। तो यहाँ पे हो सकता है कि आपको M2 चिपसेट के साथ M2 प्रो या M2 प्रो मैक्स भी देखने के लिए मिल जाए। और यहाँ पे लास्ट जो अपडेट है गाइज वो है आपका iOS 16 के बारे में। यहाँ पे आपको पता है कि एप्पल हर साल अपना जो iOS है वो अपडेट करता है। लास्ट जैसे आपको 15 मिला था, उसके बाद यहाँ पे 15 में काफी कुछ चेंजेस किया था, आपको यहाँ पे ऐप लाइब्रेरी के फीचर मिल गया, तो उसके बाद 15.4 में आपको मास्क के साथ जो है फेस अनलॉक का फीचर भी दे दिया। तो यहाँ पे हो सकता है 16 में आपको काफी कुछ चेंजेस देखने के लिए मिले, बट जो एप्पल के लीक्स निकल गए हैं उनके अकॉर्डिंग तो यही है कि जो एप्पल का iOS 16 होने वाला है वो कुछ ज्यादा चेंजेस में नहीं होने वाला। यहाँ पे आपको आइकन के जो स्टाइल्स वगैरह हैं वो कुछ भी चेंजेस होने वाले नहीं है, एज इट इज जो पुराने आइकन है सेम वही होंगे, इनको एप्पल चेंज नहीं करेगा। बट हो सकता है कि एप्पल यहाँ पे आपको सिक्योरिटी सिस्टम के काफी सारे अपडेट दे रहे हैं, जिसकी वजह से एप्पल जो है जाना जाता है और जो सिक्योरिटी का एक लेवल है वो और एक अपग्रेड हो जाएगा यहाँ पे। बट एप्पल के जो काफी सारे यूजर होते हैं वो चेंजेस की वेट करते हैं, क्योंकि आप iOS 15 से लेके iOS 16 के बीच में एक साल लगा देते हैं, तो एक साल के बीच में काफी कुछ जो है चेंजेस हो जाता है। बट वो बीटा अपडेट्स में भी आप ये छोटे मोटे चेंजेस को दे सकते हैं, बट या अगर आप लोग iOS 16 के अंदर कुछ मेजर अपडेट नहीं करेंगे तो जो एप्पल के फैंस हैं उनको इतना कुछ खास मटेरियल नहीं मिलेगा iOS 16 के अंदर, जो कि एप्पल नहीं चाहेगा। तो होप सो आपको यहाँ पे iOS 16 के अंदर कुछ काफी ज्यादा अपडेट देखने को मिल जाए, उनमें वो अपडेट है जो आपके नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नोटिफिकेशन को लेके एप्पल ने पहले अनाउंसमेंट कर दी थी कि वो नोटिफिकेशन को काफी हद तक जो है अपग्रेड कर देगा, और जो नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली जिस स्टाइल्स में आप लोग चाहते हैं उस टाइप से वो आप उसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो हो सकता है एप्पल जो है इस चीज को आपके iOS 16 के अंदर कर दे। तो गाइज ये वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। तो गाइज अगर आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया है तो यार लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना, और आप लोग कमेंट करना कि आप लोग 14 के कौन से मॉडल का वेट कर रहे हैं, तो गाइज नीचे कमेंट जरूर करना। और गाइज चैनल के ऊपर काफी सारे गिव अवे चल रहे हैं, तो आप लोग उनमें जाके पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, ग्लिम लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, तो आप वहां जाके अपनी एंट्री को रजिस्टर कर सकते हैं। और गाइज अगर आप लोग वीडियो देखते हो तो यार वीडियो देखने के बाद उसमें कमेंट जरूर किया करो, गाइज कमेंट आप लोगों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप लोगों के कमेंट से ही हम लोगों को जो मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो होप सो गाइज आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया, अगर एंजॉय किया तो ऐसे अपनी फैमिली फ्रेंड्स से शेयर कर देना, ताकि उन तक भी जो iOS 14 और उसके रिलेटेड जितने भी अपडेट है उनकी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और वो लोग भी हमारी स्टैक फैमिली का मेंबर बन सके, आप लोगों को सपोर्ट से। तो ठीक है गाइज मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तो गाइज गुड बाय।